हैं बिहार 24 सच से सामना। मैं हूं आपके साथ दिलासा दास। केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बिहार दौरा पर हैं। जगह जगह जाकर लोगों की समस्या और पार्टी के मजबूती पर काम कर रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को मधुबनी पहुंचे। फिर तय कार्यक्रम के अनुसार हरलाखी प्रखंड के खीसर के वार्ड नंबर 15 पहुंचे, जहां जल जमाव व सड़क की समस्या का निरीक्षण किए और स्थानीय लोगों से समस्या को लेकर बातचीत भी की। आपको बता दें कि खीसर पहुंचने पर जिला पार्षद सदस्य सह जदयू नेत्री सरिता देवी ने पाग व शॉल देकर सम्मानित किया और क्षेत्र की समस्याओं से भी अवगत करवाया। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जल जमाव की समस्या का निरीक्षण किया और फिर बेनीपट्टी के लिए प्रस्थान कर गए। जी हां, पत्रकारों को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार भ्रमण के क्रम में आज हमने मधुबनी में कई कार्यक्रम रखे, जिसके तहत आज खीसर गाँव पहुँच कर जल जमाव व सड़क की समस्या से भी अवगत हुए हैं। समस्या काफी गंभीर है, जिसके निदान के लिए जिला प्रशासन को कहा जाएगा, क्योंकि बिहार में सुशासन की सरकार है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में बेहतर विकास किया जा रहा है। वहीं जनता की हर समस्या के निदान का रोड मैप तैयार कर काम किया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के जाने के बाद स्थानीय ग्रामीण जनप्रतिनिधियों पर जमकर बरसे और कहा, आज हमारे इस मोहल्ले का आलम यह है कि हम लोग जल जमाव के कारण टापू नुमा स्थिति में रहने को विवश हैं। वोट ले लेते तो ईटा लेवे कपार फोड़ देवे। केकरा कपार फोड़ देवे? मुखिया के, मुखिया एते तो मुंह पर मारबे थप्पड़। अबो ना कहीं लेला दहाई छी तो नहीं कथुआ कहबे, फोटो लगा कथी कर कहबे ना, जे उचित है से करबे ना, दहाई छी ऐसे। यह दिक्कत है कि देखे रोड चल के व्यवस्था नहीं है, घर में पानी ढुक गया है, बाथरूम के व्यवस्था नहीं है, लैट्रिन के व्यवस्था नहीं है। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा जी नेताजी आयल छल, तो की कह के गेल ठम किसी ने कहा सर ते देख के आबे या चल जाय है, व्यवस्था कोई चीज की है ये नहीं है हम लोग के। तो की मांग करी छी यहां? रोड बनाओ, नाला बनाओ, नाला रोड बनाबे का मांग करी छी। हां, खा दे छी घर से। की नाम मिला के? ललिता देवी। दिक्कत है? दिक्कत है बउआ, जे साँप ताँप सब धुके आबे, आब देखियो घर द्वार गिर गेल, सब छी अंगना नेते के पानी है। की कहै छी? की मतलब रोड के कारण? हाँ, रोड के कारण सब चीज गिर गया। तो आयल छल उपेंद्र कुशवाहा नेताजी आयल छल, तो की कह के गेल? कहाँ आयल खिन, हमरा सबके कहाँ भेजले है, बजले है, कुछ कहला का ना, सिर्फ आयब का देख के गेल? हाँ, देख के गेल। तो की मांग करे छी यहाँ सब? रोड बनबे के कहे छी मांग। कथी के? की नाम मिला अहाँके? हमरा राम परी नाम। अभी हम सब भर छावा पानी भर डाल के निकलता है, अभी तो कोई समाधान नहीं हो रहा है। अभी उपेंद्र कुशवाहा जी आए हुए थे, वो देख हलखिन, वो देख के गेल, अभी कोनो सुझा नहीं दिल की, कुछ बताए नहीं है, कुछ निकाला का कुछ नहीं। तो क्या आप लोग यहाँ क्या मांग करते हैं? सर यही है कि नाला बन जाए, रोड बन जाए, पब्लिक का मतलब सुविधा मिल जाए आने जाने का। जब बारिश होता है तो इतने पानी हिल के जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, और सबसे ज्यादा तो फैमिली का प्रॉब्लम होता है। जो आम फैमिली है वो निकलता है घर से तो सांप बिच्छू जो भी है उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कितना नंबर वार्ड होगा ये? ये 15 नंबर वार्ड है। उनका कहना है कि नेताजी लोग आते हैं और देखकर चले जाते हैं, लेकिन किसी ने भी हमारे इस समस्या के निदान पर कोई पहल नहीं किया है। खासकर जल जमाव से महामारी फैल रहा है, सांप बिच्छू लोगों के घर में बसेरा बनाए हुए हैं और कई लोगों को सांप ने तो डस भी लिया है। बावजूद हम लोगों को जनप्रतिनिधि व प्रशासन के द्वारा उपेक्षित रखा गया है। मौके पर जदयू के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कामत, प्रदेश उपाध्यक्ष रेखा गुप्ता, सुभाष सिंह कुशवाहा, जितेंद्र नाथ, प्रदेश महासचिव राम पुकार सिन्हा, अंगद कुशवाहा, प्रदेश सचिव धीरज कुशवाहा, डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा, संजीव कुमार झा उर्फ मुन्ना, कौशल सिंह, हिमांशु पटेल, प्रदेश युवा नेता इंजीनियर रोशन राज, सुभाष चंद्रवासी, संजीव राम, अमरेंद्र केवट, कृष्णा महतो, दिगंबर महतो व नरेश यादव समेत अन्य लोग मौजूद थे। आश्वासन मैडम भी है जिला परिषद हमारे यहाँ पे, जो भी काम बताया गया उस सब पे एक्शन लिया जाएगा। नहीं, लोगों की शिकायत है यहाँ पर सड़कें को लेकर के, सड़कें के लिए भी सब उपाय प्रावधान के साथ किया जाएगा। उन्होंने देखा कि कोविड-19 से जितने यहाँ लाभार्थी मरे हुए थे उनको आश्वासन दिए हैं, 4 लाख का अनुदान मिलता है उनके सरकार के तरफ से, उनको देने का आश्वासन दिए हैं। और जितने भी बाढ़ क्षेत्र है, ग्रामीण इलाका है, उन्होंने अपने स्तर से देखा और उनके स्तर से देखने का मतलब है कि इस पे जल्द ही कार्रवाई होगी, बरसात के बाद इस पे काम किया जाएगा। नहीं, जिस तरह से वो खीरहर आए हैं यहाँ के लोगों ने समस्या, जो सड़कों की समस्या है, जल जमाव है, वो समस्या रखा है, तो क्या कुछ लग रहा है कि इस पर पहल होगा? जरूर पहल होगा, हम लोग पहल के लिए ही इतने लगे हुए हैं, ना पहल होता तो बेवकूफ़ी है हम लोग का टहलना और आना। पहल के लिए ही हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं क्षेत्र में जाके, कि हाँ इस समस्या जो जटिल समस्या है उसका निदान करने के हम लोग माननीय मंत्री को यहाँ बुलाने का कष्ट हुआ। आए थे क्या कुछ यहाँ देखे और क्या सर लोगों को आश्वासन दिए? बाहर है पानी,
मेन रोड है जी, बरसात में जो पानी आ जाता है उसको निकलने का उपाय नहीं है। सरकार तो जल निकासी के लिए नल जल योजना चलाती है, उसमें इसका प्लान बना करके करने की जरूरत है, वहाँ व्यवस्था हो सकती है। हम जिला प्रशासन से बात करेंगे तो वहाँ उसका मिलान। सभी प्रकार की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बिहार 24 सच से सामना।